और इधर महाराष्ट्र में जहां एक ओर पानी को लेकर सियासी माहौल गर्म है, वहीं लोगों के हित में बयान देते हुए आसाराम बापू ने कहा है कि वो जनता के साथ हैं और पानी की समस्या को लेकर किसानों का सहयोग करने को तैयार हैं। महाराष्ट्र में जहां पानी की किचकिच पर सियासी माहौल गर्म है, तो वहीं आसाराम बापू इस सियासी माहौल के माखौल को खत्म करके लोगों के बीच खुशी के फव्वारे छोड़ना चाहते हैं। जनता की जमीनी समस्या को समझते हुए बापू ने फैसला किया है कि वो जनता की दैनिक समस्या को समझते हुए पानी की बर्बादी पर रोक लगाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आसाराम बापू ने कहा कि अगर पानी की बर्बादी फिर भी महाराष्ट्र में नहीं रुकती है, तो वो खुद एकांतवास में चले जाएंगे और अपने सभी कार्यक्रमों में पानी का उपयोग बंद कर देंगे। सूखे पर चिंता जताते हुए उन्होंने किसानों से मदद के लिए आग्रह भी किया है। धर्म की उपासना करने वाले और लाखों भारतीयों के गुरु आसाराम बापू ने भावुक होते हुए कहा कि वो जनता के दुख दर्द को समझने में पूर्णतः सक्षम है और इसके लिए वो लगभग 90 लाख का अनुदान भी कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में पानी की समस्या के चलते होली और IPL मैचों में पानी के दुरुपयोग पर सियासी गलियारों में जमकर बयानबाजी हुई, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक असर कहीं भी नहीं दिखा। उल्टे महाराष्ट्र सरकार ने जनता की उम्मीदों को ताक पर रखते हुए एक मंत्री के हेलीपैड बनाने के लिए 41 टैंकर पानी बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े सियासी वादे करने वाली महाराष्ट्र सरकार हेलीपैड पर टैंकरों पानी तो खर्च कर सकती है, लेकिन जनता के पीने के पानी का जुगाड़ नहीं कर सकती। ऐसे में पानी की बर्बादी को लेकर उठे मुद्दे पर आसाराम बापू का भावपूर्ण रवैया जनता के हित में है और बापू अपने इसी फैसले से सरकार को घेरने की कोशिश में है। अब देखना यह होगा कि आसाराम बापू सियासी बिसात पर कौन सी चाल कब चलते हैं और सरकार इसके जवाब में क्या प्रतिक्रिया देती है। सुदर्शन न्यूज के लिए संजय तिवारी की रिपोर्ट।